क्रूज के कदमवाड़ी इलाके में गंगा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने भारी संख्या में लाभ लिया। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष सेलार इस मौके पर उपस्थित होकर कार्यक्रम की खूब सराहना की। वहीं दूसरी ओर सेलार ने मनसे की तोड़फोड़ की राजनीति के लिए खूब लताड़ा। ये देखो मुंबई के सांताक्रूज इलाके में गंगा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा विशाल मेडिकल कैंप और चश्मा शिविर का आयोजन किया गया। यह संस्था हमेशा से गरीबों के लिए काम करती आ रही है। ये हमारी माता जी का देहांत हुआ 1999 में, उसके बाद से हमने ट्रस्ट बनाया 2001 में। 2001 से अनवरत मतलब सामाजिक कार्यों में लगा हुआ है। यहाँ पे हो गया, गांव में हो गया और कॉलेज एक चालू करने का विचार चल रहा है यहाँ पे। मतलब जो भी हमारे पास कैंसर पेशेंट आ गया या कोई पढ़ाई के लिए आ गया, वो सबकी मदद करते हैं और साल में एक बार कैंप आयोजन करते हैं। तो जितना हमसे हो सक रहा है मैं समाज को देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि समाज ने ही हमको जो कुछ दिया है, समाज से ही आज हमारा नाम है। अगर समाज हमारे साथ नहीं रहता तो नाम होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। समाज के सहयोग से, समाज के इससे हम ये काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि समाज का आशीर्वाद हमारे साथ रहे और हमारे बच्चे जो है हमारे सहयोग करते हैं। तो इस हिसाब से हम चाहते हैं कि समाज का हमारे पास सहयोग रहेगा तो हम आगे भविष्य में और अच्छा काम करते हैं। इस मेडिकल कैंप में आज कम से कम 175 लोगों ने ट्रीटमेंट लिया है, जिसमें से 50-55 के करीब चश्मा वितरण का आ गया है और ऑपरेशन का भी डॉक्टर साहब बताएंगे, 10-15-20 जितने भी होंगे उनका ऑपरेशन करके दिया मिलती है और हम भी इसी दिशा में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पिताजी के मार्गदर्शन में जो भी समाज का हम कार्य कर सकें उसके प्रति कोशिश कर रहे हैं कि हम भी सहयोग से आगे इस चीज़ को बढ़ा सकें। कि अगर मेरा बस चले तो मैं पूरे बंबई को सदा के लिए निरोगी बना दूँ और जहाँ भी पूरे बंबई में जहाँ जहाँ कैंप होता है वहाँ वहाँ मैं अपनी पूरी टीम के साथ हमेशा लगा रहता हूँ। और मेरा यही काम है कि मैं सभी लोगों को ये समझाता रहता हूँ कि विदाउट मेडिसिन आप कैसे हेल्दी रहेंगे, उस पर मेरा बहुत बड़ा कार्य चल रहा है। ऐसे मेडिकल कैंप के बारे में तो मैं इतना ही कहूँगा कि श्रीमती गंगा देवी ट्रस्ट को मैं पहले बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि इस प्रकार का आयोजन मैंने हमारे जो मिश्रा जी ने किया है इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और आम लोगों तक मेडिसिन या उनकी जांच ये सब लोगों में आम लोगों तक पहुंचने का ये माध्यम जो है ये बड़ा ही अच्छा माध्यम है, बड़ा अच्छा जरिया है। इस प्रकार के आयोजनों को मैं इसकी बहुत प्रशंसा करता हूं, ऐसे आयोजन होने चाहिए और इसी ज़्यादा और क्या नहीं है। लेकिन उन्होंने जो कार्यक्रम शुरू किया है जनता के लिए और अपनी माता जी के नाम में गंगा देवी ट्रस्ट का नाम दिया है, माँ का जो प्यार होता है आज तक उन्होंने बना के रखा है उसके नाम से। उन्होंने सबकी माँ और सबकी बहनें इनको सेवा करने का उन्होंने अवसर दिया है, हम लोग उनके सदस्य हैं। और हमारे डॉक्टर शुक्ला जी, डॉक्टर विक्रम मेहता, डॉक्टर त्रिपाठी जी ये सब सहयोग देते हैं और उसी के साथ साथ हमारी पार्टी के लोग जैसे अखिलेश सिंह, बाबा सिंह, मैं और मिश्रा जी हम लोग साथ देते हैं। पार्टी के साथ साथ हम इसकी ट्रस्ट में सेवा करना चाहते हैं और जनता को एक कहना भी चाहते हैं कि जनता को तीन कॉम्प्लेट बांट देते हैं लोग तो नाम के लिए चेकिंग होता है, तो गंगा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट में ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका ऑपरेशन मोतियाबिंद का ऑपरेशन है जो बहुत ही जरूरतमंद है तो बेचारे करा नहीं सकते हैं, उनके लिए मैं करार जवाब देता हूँ। और आज के भाग दौड़ में इस तरह से किसी को मौका नहीं मिलता है कि अपनी सेवा ले सके। यह जो सब है आज गंगा देवी सब चैरिटेबल ट्रस्ट आज जो लगा हुआ है गंगा देवी के नाम का, ये इतना बढ़िया यहाँ प्रोग्राम है और इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि जो भी यहाँ आया हो, आँख का हो चाहे ब्लड का हो, इतना बढ़िया सबका चेक हो रहा है और सबको फ्री में चश्मा मिल रहा है। और ये ट्रस्ट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आज जो ये आरोग्य सेवा का उपक्रम चलाया गया है बहुत ही सराहनीय
सारा नालायक है, क्योंकि आरोग्य सेवा आजकल काफ़ी महंगी भी हो गई है, इसीलिए लोग ज़्यादा अपनी सेहत की तरफ ध्यान भी नहीं देते। तो इस तरह की अगर सेवा उपलब्ध होगी तो मुझे लगता है सबका आरोग्य भी सुधरेगा, अच्छा समाज हम निर्माण कर सकेंगे। बहुत सारी सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध है, नेत्र चिकित्सा है, उसके साथ खून की जाँच है, ऐसी बहुत सी सेवाएँ। तो भोलानाथ मिश्रा और सभी सहकारियों का अभिनंदन है।